नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि सरकार को सीधा जो है कि धमकी दी गई है और ये कहा गया है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि THR का भुगतान न होने पर भड़की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तो THR का वितरण भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कि प्रदर्शन की हैं और सरकार को सीधा जो है कि निशाना बनाई है। तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं ये क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसा कि आपको यहीं पर दिख रहा होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने माता समिति के खातों में 7 माह से THR और कुकवर फूड का भुगतान न होने पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने शीघ्र भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रुपया न मिलने पर बाराकोट, लोहाघाट और पार्टी चंपावत की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में दुकानदार भी राशन आदि देने से जो है कि आनाकानी कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि करीब 7 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को THR वितरण का जो है कि भुगतान नहीं किया गया है, उसको लेकर जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काफ़ी नाराज़ हैं और सरकार को सीधे धमकी दे रही हैं कि अगर जो है कि भुगतान जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो इसको आंदोलन और जो है कि बड़ा करेंगी और जो है कि ये बड़ा रूप लेगा। तो ये आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ये उत्तराखंड से कि उनका 7 महीने का THR का वितरण नहीं किया गया है, भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इस तरह के खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।